अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट को डिस्कस किया था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, अगर पास पेपर निकाल के देखेंगे तो इस चैप्टर में से अमूमन SP हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती है या SP3 हाइब्रिडाइजेशन पूछी होती है। सबसे मेन बात हमारे पास आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। इसका मैं बिल्कुल सिंपल से आपको आगाज़ करवाता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन असल में हम कहते हैं हाइब्रिड बीज है। कई दफ़ा देखा है ना, वो कपास की थैली के बाहर लिखा होता है ये हाइब्रिड बीज, मकई के बीज के बाहर लिखा होता है हाइब्रिड बीज है। इसी तरह हाइब्रिड एनिमल भी होते हैं, हाइब्रिड एनिमल भी होते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, कहता है आपके पास दो पौधे हैं, एक पौधे का कद बड़ा लंबा होता है उसको फल कम लगता है, एक पौधा उसका कद छोटा रहता है लेकिन उसको फल बड़ा लगता है। अब चाहते हैं कि एक ऐसा पौधा हो जिसके अंदर उसका कद भी लंबा हो उसको फल भी ज़्यादा लगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसमें से कद का जीन निकालेंगे, उसमें से वो फल जो पैदा कर रहा है उसका जीन निकालोगे, दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद एक पौधा बनाओगे, एक पौधा बनाओगे जिसके अंदर दोनों खसूसियात होंगी, सही। उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और वो जो बीज बनेगा उसको हाइब्रिड बीज कहते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं उसको, हाइब्रिड बीज। अब यहाँ पे हमने देखा है कि केमिस्ट्री के हवाले से हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें ना तो हमारे पास ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के मिल रहे होते हैं। याद रखिएगा जो एस ऑर्बिटल है इसकी शेप, और इसके बाद हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है इसकी शेप। एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, इस तरह की स्फेयर लाइक होती है, और पी ऑर्बिटल की शेप होती है कुछ इस तरह से। हमारे पास यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एस और पी तक महदूद है। अगर आपकी बुक तक देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी तीन टाइप्स हैं, SP, SP2 और SP3, और अगर ओवरऑल देखेंगे 5 टाइप्स बनती हैं, सही है। लेकिन हमने दो टाइप्स, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, वो आगे जाके अगर आप बेसिक हायर लेवल पे जाएंगे वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको लाजमी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हमने बेसिक लेवल पे देखनी है हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, जिस तरह मैंने कहा है कि दो पौधे आपने मिलाने हैं, उनके जीन्स आपस में मिलाते हैं, उनसे एक ऐसा पौधा बनता है जिसके अंदर दोनों की खसूसियत होती है, ऐसा है ना। सेम काम यहाँ पे होता है कि हम दो ऑर्बिटल मिलाते हैं, दो या तीन ऑर्बिटल मिलाओ, मिलाने के बाद हमारे पास नए ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं, नए ऑर्बिटल भी उतने ही। सपोज किया मैंने दो मिलाए, दो नए बन गए। अब ये जो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं ना, इनकी एनर्जी इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी, इनकी शेप्स भी इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। जिस तरह वो जो नया पौधा बनता है उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट काम हो रहा होता है, हालांकि उसका कद एक का बड़े लंबे वाले का फल कम लगता है, लेकिन इसका कद लंबा लेकिन इसको फल भी ज़्यादा लग रहा है। यानी जो नई चीज़ बनती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये बात है। यहाँ पर यही इसी से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली बात आ जाती है डेफिनेशन, इसकी लिखो। डेफिनेशन है द प्रोसेस, ये ऐसा तरीका कार है, द प्रोसेस ऐसा तरीका कार इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये मुख्तलिफ एनर्जी वाले होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज, मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल एनर्जीज एंड शेप्स, एंड शेप्स, और इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती है। देख लें, एस ऑर्बिटल की शेप इस तरह की है, पी ऑर्बिटल की शेप कुछ है, इस तरह की है। हमारे पास ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स आर कंबाइन, ये आपस में मिलते हैं, आर कंबाइन, ये आपस में मिल रहे होते हैं एंड फॉर्म, और बना देते हैं एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बना देते हैं, जिसके अंदर खास बात यह होती है कि हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। अच्छा, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को याद रखिएगा एनर्जी, इसको हम डी जनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डी जनरेट, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, डी जनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप, एंड शेप। लो जी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो ये पास पेपर में क्या शॉर्ट MCQ के तौर पे आया हुआ है, ये वाली चीज़, दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, जिसकी एनर्जी सेम होती है वो क्या कहलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। वो क्या कहला रहे होते हैं, डीजनरेट
ऑलरेडी बड़े दफ़ा पास पेपर के अंदर एमसीक्यू की छोटी सी लाइन बनती है, इसको अमूमन पेपर के अंदर एमसीक्यू के तौर पे दे देता है, इसको लाजमी याद रखिएगा। अब कहता है मुख्तलिफ तरह के ऑर्बिटल मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया ऑर्बिटल बन जाता है जिसके अंदर हमारे पास शेप भी सेम होती है, एनर्जी भी उसकी सेम होगी, और हमारे पास जो ऑर्बिटल बन रहा होता है उसकी शेप एनर्जी किस तरह, मैं सपोज करता हूँ जी मैंने यहाँ पे दो ऑर्बिटल या तीन ऑर्बिटल मिला देता हूँ, सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, इसको बेशक लिखिएगा ना सही है, ये आगे जाकर हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दो तीन ऑर्बिटल मिला दिए, एक ये ऑर्बिटल मिला दिए, एक ये और एक इसके साथ ये वाला ऑर्बिटल। अब देखें जितने ऑर्बिटल हमेशा मिलेंगे उसके बाद नए भी उतने बनने हैं, कितने बनने हमारे पास देखें एक दो तीन, तीन ऑर्बिटल है इसके बाद हमारे पास तीन ही नए ऑर्बिटल बनते हैं इस तरह कुछ, एक दो तीन। अब इसमें हम अमूमन क्या करते हैं कि जो यहाँ पर लूप देखोगे ना, एक बड़े वाला ये स्मॉल लूप है, स्मॉल लूप, और ये वाला होता है जी लार्ज लूप। हम अपनी ईजीनेस के लिए स्मॉल लूप को लिखते ही नहीं हैं, ईजीनेस के लिए स्मॉल लूप को लिखते नहीं है। देखें हमारे पास क्या हुआ जी, तीन ऑर्बिटल मिले हैं, तीन ऑर्बिटल मिलने के बाद नए कितने ऑर्बिटल बने, तीन ही। अब ये अपने आप को ऑर्बिटल इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। अब ये इस तरह कुछ अरेंज करेंगे अपने आप को, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में चला जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे चला जाएगा और एक ऑर्बिटल यहाँ पे चला जाएगा। ये इस तरह कुछ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और इसके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है वो आप याद रखिए 120 डिग्री बन जाएगा, 120 डिग्री। ये था जी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कि किस तरह मुख्तलिफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मिलने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल बन रहे होते हैं जिसकी शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है। हम याद रखिएगा हम आगे जाके बनाएंगे उसमें डायरेक्ट इस चीज़ से ये वाली चीज़ बनाएंगे, ये वाली चीज़ हम दरमियान में नहीं बनाते, ये वाली चीज़ यूजली नहीं बनाई जाती, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कौन चीज़ की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टाइप्स। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीन टाइप्स हैं, There are three types. तीन किस्में टाइप्स, कौन कौन सी तीन किस्में, इनका नाम याद रखिएगा। एक होती है हमारे पास SP hybridization, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप है वो है SP2 hybridization, इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है SP3 hybridization। यहाँ पे इस ये जो एस पी लिखा हुआ ना, इसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेक कीजिएगा, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं SP सही है, और यहाँ पे आपने मैं मुख्तलिफ स्टाइल लिख रहा हूँ यहाँ पे SP, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं SP सही है। अब मैं मुख्तलिफ स्टाइल है मैंने SP, 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 इनमें से करेक्ट वन कौन सा है और रॉन्ग कौन कौन से है। ये वाला भी बच्चे आपका स्टाइल गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा जो ऑर्बिटल लिखने होते हैं ना वो स्मॉलर लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं SV small, PV small, इसलिए आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम बच्चे ये वाला लिख रहे होते हैं SP, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाता है सही है। ये वाला हमेशा SV छोटा PV छोटा, अगर इसके ऊपर 1, 2, या 3 डालना है वो इसके ऊपर पावर की फॉर्म में आएगा, हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा पावर की फॉर्म में, आपने इस तरह भी लिखा SP3 इस तरह भी लिखना सही है, ये भी याद रखिए। छोटी सी बातें जो कि आपने प्रिकॉशन समझ लें, इसको लाजमी जहन में रखिएगा जब आपने इसका नाम लिख रहे होना। यही हमारे पास, अल्लाह हाफिज़।